अध्याय तीन देख रहे हैं, चुनाव और प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये किस तरीके से होता है? इसराइल का एग्जांपल लेते हैं। होता यहां पर यह है कि जब मतगणना हो जाती है, वोट की काउंटिंग हो जाती है, तो जिस हिसाब से अनुपात में यानी जिस प्रोपोर्शन में वोट मिले हैं, उसी हिसाब से इनको सीटें दे दी जाती है। होता यह है कि जैसे पार्टी ए है, पार्टी बी है, ऐसे सी डी और भी पार्टीज होंगी, तो पार्टी ए ने कहा कि 1, 2, 3 ये हमारे मेंबर्स हैं, बी ने कहा हमारी ये है 1, 2, 3, 4, इस तरीके से एक लिस्ट निकालती है कि अगर आप हमें इलेक्ट करेंगे और हमें जो प्रपोर्शन देंगे उस हिसाब से हम ये मेंबर्स भेजेंगे। अब ये जो सूची है, उतने ही प्रत्याशियों को उस सूची से लिया जाता है जितना सीटों का उन्हें कोटा मिले, यानी कि जिस हिसाब से लोगों ने वोट दिया। तो चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, जिसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी कह रहे हैं। तो इसमें आप ये समझिए कि किस किस तरीके से होता है। मान लीजिए ये ए पार्टी है, बी पार्टी है। ए पार्टी को मिला मान लीजिए 60% वोट और बी पार्टी को मिला 40% वोट। तो अगर इन्होंने जैसे 10 में से या 100 ही मान लीजिए 100 में से 60 जो है इसकी इनकी पार्टी के जाएंगे और 100 में से 40 यहाँ के जाएंगे, तो 60 जो होंगे, मान लीजिए ये लिस्ट जो है वो 60 तक जाती है, तो 60 यहाँ से उठा लिए जाएंगे। इन्होंने लिस्ट दी है 60 की, तो इनके 1 से 40 तक लिए जाएंगे, बस इस पार्टी के 1 से 40 तक लिए जाएंगे। इस पार्टी के मान लीजिए इस पार्टी ने 100 तक दिया है लिस्ट, इस पार्टी ने भी 100 तक दिया है, तो इस पार्टी के 1 से लेकर 60 तक मेंबर चले जाएंगे कि कहाँ, पार्लियामेंट में। और इस पार्टी के क्योंकि इसको 40% वोट मिला है, तो 1 से 40 तक जो मेंबर की लिस्ट है वो चली जाएगी। इसे हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। ये केवल दो पार्टी के मैंने बताया, ऐसे बहुत सारी पार्टियां होती हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके दो प्रकार होते हैं। जैसे इसराइल की बात करें या नीदरलैंड की बात करें, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसराइल है, ये पूरा देश जो है इसको एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और हर एक पार्टी राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुसार उनको ये सीट दे दी जाती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। और इसी तरीके का एक दूसरा तरीका है, यही प्रोपोर्शनल प्रतिनिधित्व जो होता है उसका दूसरा तरीका है, जैसे जो हम जैसे मैंने बताया ये इसराइल में हो गया और नीदरलैंड्स में हो गया, यानी हॉलैंड में हो गया। दूसरा तरीका होता है उसमें आपका, अगर मैं कंट्रीज का नाम लूं, तो अर्जेंटीना हो गया और पोर्चुगल हो गया। तो ये यहां पर क्या होता है कि जहां इन देशों में क्या होता है, पूरे देश को बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे इसराइल में क्या हुआ, पूरे देश को, क्योंकि ये दोनों देश जो है ना, ये छोटे देश हैं, इसराइल और नीदरलैंड बहुत छोटे देश हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं अर्जेंटीना की, वैसे पोर्चुगल भी छोटा ही देश है, लेकिन अर्जेंटीना थोड़ा बड़ा देश है। तो इसमें क्या करेंगे, इस देश को हम बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देंगे। तो जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है ना हिंदुस्तान में, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंस में बांट दिया गया। अब प्रत्येक पार्टी हर एक निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों के लिए सूची जारी करेगी, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 है, यहां पर एक लिस्ट होगी पार्टी ए की, ये मेंबर हो गए। ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, यहां पर भी इस पार्टी की, यहां अलग मेंबर होंगे, ये अलग लोग होंगे, तो यहां पर इनकी लिस्ट बना दी ए पार्टी ने, यहां पर बना दी बी पार्टी ने, तो सूची जारी कर दी। तो जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जा सकता है। अब देखिए, यहां से मान लीजिए 10 लोगों को चुना जा सकता है, तो यहां पर कितने होंगे, 1 से लेकर 10 तक, ये भी देंगे, बी पार्टी भी 1 से 10 तक देगी। मान लीजिए ये जो सेकंड है, यहां पर केवल 6 लोग इलेक्ट किए जा सकते, तो यहां 1 से 6 तक होंगे, इन्होंने ये भी 1 से 6 तक होंगे, इस तरीके से होगा। तो दोनों ही रूप हमने जो देखे, इसमें मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, यानी पार्टी ए पार्टी बी को देते हैं, ना कि वो प्रत्याशियों को वोट देते हैं। वो जो खड़े हैं लोग उनको वोट नहीं देते, वो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पार्टी को वोट देते हैं। तो एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर उसे निर्वाचन क्षेत्र में सीट दे दी जाती है। अब जैसे ये 10 की बात करता हूं, मान लीजिए 60% अब ए को मिला, ये 40, अब इसको मैं कर देता हूं 70%, चलिए 70% कर देते हैं, 70% ए को मिला इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं अब नीदरलैंड को और इसराइल को छोड़ के मैं बात करता हूं अर्जेंटीना पोर्चुगल की। मान लीजिए ए जो पार्टी है उसको एक पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिला यहां 70 वोट, यहां इनको मिला 30% वोट। तो क्या होगा, 1 से 10 है ना, तो 7 मेंबर जो है वो यहां से पार्लियामेंट चले जाएंगे, यहां से 30% मिला है, तो 1 से 10 इन्होंने लिस्ट डाली थी, 3 मेंबर यहां के चले जाएंगे, ऐसे होगा।
भारत में जो समानुपातिक प्रोपोर्शनल प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो केवल जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं उसमें ली जाती है। यानी जो हमारा आम चुनाव है, जब हम कोई सांसद चुनते हैं, जो विधायक चुनते हैं, तो इस तरीके की चीज नहीं होती। लेकिन जब हम राष्ट्रपति चुनते हैं, उपराष्ट्रपति चुनते हैं, राज्यसभा और विधान परिषदों के जो चुनाव होते हैं, उसमें हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और एक जटिल स्वरूप प्रस्तावित हम लोग हमारे पास है, जिसको मैं अभी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम एक इलेक्शन की पद्धति अपनाते हैं। राज्यसभा की एग्जाम्पल लेंगे हम। तो हमने जो है वो हमारे देश में समानुपातिक नहीं होती है, जो दौड़ में फर्स्ट आ गया वो फर्स्ट आ जाता है, और बाकी कई ऐसे पद हैं जिनके लिए हम समानुपातिक यूज करते हैं, लेकिन उसका भी एक अलग रूप है, उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसमें अंतर हम समझेंगे। पहली चीज यह है कि जो सर्वाधिक वोट वाले में पूरे देश की जो छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयां हैं उसमें हम उसको भार देते हैं, जैसे निर्वाचन क्षेत्र हम जिला या जिला कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं बेसिकली उसको। समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, या तो वो पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, या फिर पूरे देश को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और फिर वहां पर अलग अलग तरीके से इसी तरीके से समानुपातिक इलेक्शन होता है। यहां पर सर्वाधिक जो वोट पाने वाले की जीत है, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन यहां पर क्योंकि अनुपात के हिसाब से होता है तो एक से ज्यादा प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। सर्वाधिक वोट पाने वाले में मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं कि आदमी कौन खड़ा हुआ है, पार्टी को भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, पार्टी एक पार्टी की तरफ भी होता है आपका प्रेम, या आप उसके जो विचारधारा उसकी तरफ आप रहते हैं, लेकिन मतदाता को भी ज्यादा देखते हैं आप। जबकि यहाँ समानुपातिक में मतदाता को ना देके आप पार्टी को वोट देते हैं। यहाँ पर जो सर्वाधिक वोट है, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है, यानी कि आपको मिले तो 40% वोट, लेकिन आपकी सीटें मिल गई 80, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, जितने मत मिलेंगे उस परसेंटेज के हिसाब से, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से सीटें मिल जाएंगी। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वो वोटों का बहुमत यानी 50% मिले, जैसे 100% ना हम मानते हैं कि 50%, जैसे हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम में 33% से ऊपर होंगे तो हम पास होंगे, इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि 50% से ऊपर होंगे तभी आप इलेक्ट होंगे, आप हो सकता है 30% में भी इलेक्ट हो जाए, आपको वोट परसेंटेज 30% है उसमें भी आप इलेक्ट हो जाए, हो सकता है आप बाकी लोगों को आपसे ज्यादा कम मिले हों। यहां पर क्या है, विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है क्योंकि जो आदमी जिसको आपने एक तो पहले तो आपने पार्टी को दे दिया, और उस लिस्ट में जो लिस्ट आपने देख के दिया उसमें वो किस नंबर पे है, टॉप नंबर पे है ना, इसीलिए। अब यूनाइटेड किंगडम और भारत में ये वाली पहले जिसने पोस्ट क्रॉस किया वो जीते, ये पद्धति हम अपनाते हैं। और जैसे मैंने बताया इसराइल, नीदरलैंड हो गया, या आपने पोर्चुगल देखा, अर्जेंटीना, यहां पर यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। अब राज्यसभा में चुनाव किस तरीके से होता है इसको जरा समझिए। राज्यसभा में चुनाव जो है वो, जैसे मैंने बताया था आपको कि समानुपातिक का हम लोग भी उपयोग करते हैं, तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप है जिसको हम राज्यसभा में देखते हैं। इसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो हर एक राज्य के में जो राज्यसभा की सीटें हैं उसका निश्चित कोटा है, वो डिसाइडेड है। तो राज्यों में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा, राज्य में जो विधायक होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वो इन सीटों का चुनाव करते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि राज्यसभा में कौन जाएगा। तो इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं और कोई नहीं होता, राज्य में जो विधायक चुने गए हैं वो मतदाता होते हैं। कौन होते हैं? विधायक। तो मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जैसे एक लिस्ट उनके सामने आती है, उस लिस्ट में आते हैं जैसे रमेश कुमार है, मोहम्मद इकबाल है, नरसिंह यादव है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक विधायक हूं, मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक लिस्ट आई, मैंने एक नंबर इसको दे दिया, दो नंबर इसको दे दिया, तीसरा नंबर इनको दे दिया। ऐसे आप आए, ये मैं हूं या आप है, आप भी एक विधायक है, आपने क्या किया, आपने इनको पहला नंबर दे दिया, इनको दूसरा नंबर दे दिया, इनको तीसरा नंबर दे दिया। इस तरीके से हमने क्या किया कि सबको एक नंबरिंग कर दी, हर एक विधायक ये काम करता है। तो जब ये मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम यानी कि प्रायोरिटी में एक नंबर लिख के दे देते हैं। अब जीतने के लिए किसी भी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा पहले प्राप्त करना पड़ता है, मतलब मिनिमम उनको पास करना पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ेंगे। यानी जितना मतदान हुआ, जैसे एग्जांपल देता हूं, यदि राजस्थान में 200 विधायक हैं, उनको राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं, है ना, तो विजयी उम्मीदवार को कितना चाहिए, 200 बाय कुल विजयी, कुल जो 200 डिवाइड बाय कुल विजयी उम्मीदवार, मतलब कुल मतदान हो गया 200,
विजयी कितने होने, चार ही होने, चार राज्यसभा के हैं प्लस वन, यानी कितना आ गया 200/5, यानी 40 और ये प्लस वन है, ये जो 200/4 प्लस वन, प्लस वन 200/4 प्लस वन तो है ही, प्लस वन भी है साथ में, तो 200, ये 200 हो गया, ये नीचे 5 हो गया प्लस वन, यानी हो गया 5/4 = 20 प्लस वन, यानी 41। तो 41 वोटों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, मतलब ये मिनिमम थ्रेशहोल्ड है, इतना चाहिए इनको, जो चार राज्यसभा सदस्य नॉमिनेट होने जा रहे हैं या इलेक्ट होने जा रहे हैं उनको इतना चाहिए। तो जब मतगणना होगी तब उम्मीदवारों के को एक ये प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। जैसे मान लीजिए रमेश कुमार को यहाँ देखिए, यहाँ 2 मिला है, यहाँ 1 मिला है, ऐसे एक एक मोहम्मद इकबाल को देखिए, 1 मिला है, 2 मिला है, नरसिंह यादव को 3 मिला है, 3 मिला है। तो अब यहाँ पर देखिए कि नरसिंह यादव को 3-3 मिला है, तो नरसिंह यादव तो आउट हो जाएंगे पहली लिस्टिंग में, यानी रमेश कुमार को 2 और 1 मिला है, मोहम्मद इकबाल को 1 और 2 मिला है, नरसिंह यादव को 3 मिला है, तो नरसिंह यादव तो हट गए। और इनके वोट जो फिर उसके बाद देखा जाएगा अगली बार कि 1-1 कितना किस किस को मिला है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, यहां पर एक तीसरे विधायक और है, इन्होंने इनको 1 दिया हुआ है और इनको 2 दिया हुआ है और इनको फिर से 3 दिया हुआ है, नरसिंह यादव तो अब बाहर हो गए। अब एक बार तो फर्स्ट लिस्टिंग में तो नरसिंह यादव बाहर हो गए, अब अगली बार देखा जाएगा कि अब कितने लोगों ने रमेश कुमार को कितने लोगों ने 1 दिया हुआ है और मोहम्मद इकबाल को कितनों वालों ने 2 दिया हुआ है। तो अब जो रमेश कुमार है इनको 2 बार 1 मिला हुआ है, मोहम्मद इकबाल को केवल 1 बार 1 मिला है, तो ये इलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वरीयता में जो लोगों ने रमेश कुमार को ज्यादा वरीयता दी हुई है। तो प्रथम वरीयता का वोट गिना जाता है, प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो फिर से पुनः मतगणना होती है, यानी कि अगर पहली बार हमने किया और 41 नहीं मिला इनको तो फिर से दोबारा मतगणना होगी। अब ये ऐसे प्रत्याशियों को मतगणना से निकाल दिया जाता है, यानी कि अब क्या हुआ कि रमेश कुमार, मोहम्मद इकबाल, इन तीनों को या फिर इन दोनों को 41% नहीं मिला, तो अगली बार जब काउंटिंग होगी तो नरसिंह यादव तो हट ही जाएंगे, क्योंकि इनको तो 3-3-3 इनको तो वरीयता ही नहीं है। फिर उसके बाद रमेश कुमार और मोहम्मद इकबाल के लिए दोबारा होगी, दोबारा हम इसकी काउंटिंग करेंगे किस तरीके से। तो पहले तो हमने कहा कि हमने नरसिंह यादव साहब को निकाल दिया है, जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले, इनको तो 3-3-3 मिले, इनको पहला नंबर मिला ही नहीं, उनके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। तो ये जो इनके वोट है ना, इनके तीनों, ये जो इनको वोट मिले हैं वो रमेश कुमार और मोहम्मद इकबाल को दे दिए जाएंगे। ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशियों को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो वोट है अब इन लोगों को चला जाएगा। अब इनको 41% से ऊपर, क्योंकि इनको 41% से भी तो ऊपर लाना है, तो इस तरीके से ये जारी रखा जाता है जब तक ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, ये इसके बराबर प्रत्याशियों को वोट नहीं मिल जाता और जिसको पहले मिल जाता है वो इलेक्ट घोषित हो जाता है। आप समझ गए ना कैसे होता है कि लिस्टिंग में आप वरीयता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और उस प्रायोरिटी में सबसे कम प्रायोरिटी जो होती है उसको हटा दिया जाता है, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी गिनी जाती है, फिर एक आदमी को और हटा दिया जाता है, तब तक हटाते रहते हैं जब तक 41% किसी को ना मिल जाए। जिसको 41% मिल गया और 4 लोग ऐसे होंगे जिनको 41% मिलेगा, उन 4ों को राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली हमने क्यों स्वीकार की? सबसे पहली चीज, अब आप सोचिए, जब मैंने आपको ये समझाया तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपको समझ में आई होगी, कई काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आई होगी। इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें बहुत हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी पर डिसाइड करना है कि किसको सबसे कम मिला, किसको सबसे ज़्यादा मिला, फिर उसके बाद एक को हटा देना, फिर बाकी लोगों को चेक करना है कि उसकी वरीयता को देखे और इनके वोट भी ट्रांसफर कर देने हैं इनको। तो यह ये थोड़ा सा गंभीर है, और गंभीर इस तरीके से कि थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो जो सर्वाधिक वोट वाली जो जीत व्यवस्था है वो उसकी लोकप्रियता का कारण यही है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बड़े सामान्य लोग हैं, यानी मतदाता जो है उनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है राजनीति और चुनावों का, इतना ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं होता। ये वही होंगे जो राजनीति पढ़ के आए होंगे या चुनाव के बारे में जानते होंगे, नॉर्मल आदमी को नहीं पता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भाई सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला वो जीत जाए। तो इसलिए जो पुरानी जो हमारी व्यवस्था है, जो अच्छी व्यवस्था चली आ रही है, उसको समझना बड़ा आसान है, राइट। इसके पास होता ये है कि जैसे मैं हूँ, मेरे सामने कांग्रेस का ये प्रत्याशी खड़ा है, मेरे सामने बीजेपी का ये प्रत्याशी खड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये बीजेपी का प्रत्याशी बहुत पसंद है, मैं इसको वोट दे दूंगा। मेरे सामने तो विकल्प है ना, मेरे पास सामने क्लियर विकल्प है। तो ये भी इसीलिए इतना सक्सेसफुल है, ये हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो ये जो प्रणाली है मतदाताओं को केवल दलों में नहीं बल्कि जो उम्मीदवार खड़े हैं उनका भी हम चयन कर सकते हैं, हमको बिल्कुल क्लियर विकल्प मिल जाता है। तो जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रणाली है जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कौन होगा। कोई भी एक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, क्योंकि जैसे देखिए हमने देखा था कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बटी है, यहां पर बीजेपी के हुए 6 इलेक्ट और कांग्रेस के हुए मान लीजिए 3 और सीपीआई के हो गए 1, मान लीजिए 10 इलेक्ट हो सकते थे। अब अगर काम नहीं हो रहा तो ये सीपीआई बोलेगा मैं तो एक ही हूं, बीजेपी से पूछो। बीजेपी बोलेंगे तो बीजेपी बोलेगा कि ये कांग्रेस के भी तो 3 है, इनसे भी पूछो। तो ये जो काम नहीं हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसको डालेंगे आप? इसमें डाल नहीं पाएंगे ना, बहुत अच्छे से नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए आप अपने जिनको आपने इलेक्ट किया है उनको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप जाएंगे तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संविधान निर्माता है ये समझते थे कि जो ये समान अनुपात वाली प्रतिनिधित्व प्रणाली है इस पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होगी। कैसे? जैसे आपने प्रोपोर्शनल दिया, प्रोपोर्शनल में क्या है, संविधान निर्माताओं ने कहा कि जो हम प्रोपोर्शन वाला अगर हम करते हैं तो हम क्या, हम ये देखेंगे कि भाई सरकार अड़िग नहीं रहेगी, सरकार जो है वो उसमें स्थायित्व नहीं होगा, यानी कि वो सरकार हो सकता है कि वो चेंज हो जाए या बदल जाए या गिर जाए, राइट। जैसे मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि ये जो प्रणाली है हमें स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अब मान लीजिए आपने बीजेपी, कांग्रेस और जैसे यहीं पे मैं आपको बताऊं सीपीआई, हुआ ये कि एक एग्जांपल भी आए, मान लीजिए 234 सीटें हैं। अब इसमें क्या हुआ, वोट का परसेंटेज ले लीजिए, उस वोट के परसेंटेज के हिसाब से द्रमुक को सीट मिली 173, अन्ना द्रमुक को एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 1996 के तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव है, इसमें अन्ना द्रमुक को मिले जो वोट 21.54 इनको सीट मिली। इसी तरीके से टीएमसी को आपके 39 मिली। अब अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व बना लें तो इसको कितने लोग भेजने पड़ेंगे इस समान अनुपात के हिसाब से, तो इनको एक नंबर मिलेगा, इनको एक नंबर मिलेगा, इनको एक नंबर मिलेगा। अब होगा ये कि जब एक नंबर इनको मिलेगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई और समान अनुपात की बात हो रही है, तो इनको मिला मान लीजिए 50%, इनको मिला 30 और इनको मिला 20, तो 5 आदमी इनके हो गए, 3 आदमी इनके हो गए और 2 आदमी इनके हो गए, अगर हम 10 में से बात करें तो। ये बीजेपी अभी भी पावर में नहीं है, आप इनको पावर में नहीं कह सकते, केवल 5 है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि 543 मान लीजिए पार्लियामेंट की सीट है। अब जिसने एक जादुई आंकड़ा होता है 280 के ऊपर होता है वो, मान लीजिए किसी ने 300, बीजेपी ने 300 सीट जीत ली, तो 300 की जो सीट जीत ली इसका मतलब ये जो सरकार है ये स्थायित्व वाली सरकार है, और ये स्थायित्व वाली सरकार जो है वो हमारी एक स्थायी सरकार बन जाएगी। अब हम एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन जानते हैं कि हम पे राज कौन सी कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि हम 5 बीजेपी के हैं, 3 यहाँ के हैं, 2 मतलब 5 बीजेपी कर रही है, लेकिन 5 नॉन बीजेपी भी तो कर रहे हैं, है ना, 5 नॉन बीजेपी भी तो कर रहे हैं, तो आपको आप किसके ऊपर जिम्मेदारी देंगे। यहाँ तो क्लियर है कि बीजेपी अगर अच्छा होगा तो बीजेपी, बुरा होगा तो बीजेपी। तो यहाँ से एक अच्छी तरीके से सुचारू और प्रभावी ढंग से सरकार चल सकती है यदि हम अपना जो हमारा सिस्टम है वो लागू रखेंगे। समान अनुपात में ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि देश हमारा बड़ा विविध है, हमारा देश बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, और यहाँ पर जो ये प्रोपोर्शनल वाली बात है इसमें क्या होगा कि जो हर एक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने का को प्रेरित करेगी, कौन सी, समान अनुपात। यानी अगर आप कहें कि भाई 18% या 14% जो है मुसलमान है, तो ये क्या होगा कि समान अनुपात में क्या होगा, हर बार ये 14% जो है वो मुसलमान आएंगे, इसी तरीके से अगर ये जीतते हैं तो। लेकिन अगर ये जीतते नहीं है, अगर जीतते नहीं है तो इनका रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं। तो अनुपात के हिसाब से लाने में अगर वो उनको कोई वोट देता ही नहीं है तो फिर वो कैसे आएंगे, वो नहीं आ पाएंगे ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा है कि कोई भी पार्टी अपने अपने एक उम्मीदवार खड़ी करती है और वो जो खड़े होते हैं वो अपने आप प्रेजेंट करके उनके काम के हिसाब से उनको वोट दिया जाता है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो सर्वाधिक मत में जो जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित है। जो हमारी जो पद्धति चली आ रही है वो बड़ी आसान है, उसको हम और आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो केंद्र और राज्य में जो बड़े दल हैं उनको स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, जैसे हमने देखा 2014 में, 2019 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सरकार बनाई, पावर इनके हाथ में है, इनके सारे मेंबर हैं, और इनका वैसे इन्होंने एक एनडीए बना रखा है ना, इनके पास एनडीए है, मतलब बहुत सारी
अलग अलग जो पार्टियां हैं इनके मिश्रित हैं, लेकिन ये बीजेपी को अपने आप ही एक पार्टी को अपने आप बहुमत मिल गया, तो ये जो प्रणाली है उससे उन दलों को भी थोड़ा हतोत्साहत मिलता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती जो किसी जाति या समुदाय के लिए वोट प्राप्त करती है। यानी आप देखेंगे कि जब हमारे चुनाव हुए तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहां पर मायावती जी की पार्टी है, मायावती जी की जो पार्टी है इन्होंने, ये सीएम भी रही है, दो बार सीएम रही है, लेकिन इनको एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली। तो जब लोकसभा की सीट नहीं मिली, इससे मतलब ये है कि अगर कोई एक जातिगत या समुदाय की बात करता है केवल, या उसी में लीन रहता है, तो उनको थोड़ा सा हतोत्साहन भी मिलता है। मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी पार्टी ने काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है अपने प्रदेश के लिए, लेकिन एक एग्जाम्पल जो इस किताब में दिया है उसके तहत समझा रहा हूं आपको। तो स्वतंत्रता के बाद जैसे हमने देखा कि जो सर्वाधिक मत वाली प्रणाली है वो अपनाई, लेकिन एक दल का वर्चस्व हमने हमेशा देखा है, लेकिन साथ में छोटे छोटे दल भी रहे। 1989 की बात बताता हूं, भारत में बहुदलीय, जिसे हम एक से, जैसे मैंने बताया ना जो बीजेपी है उसके साथ बहुत सारे दल हैं, इसको हम एनडीए कहते हैं, ऐसे कांग्रेस के साथ बहुत सारे दल हैं, उसे हम यूपीए कहते हैं। तो जो बहुदलीय गठबंध है, उसकी गठबंधनों की जो कार्य प्रणाली है वो हमने देखा। तो राज्य में जो धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता ये राज्यों में भी हम देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जो दलीय प्रणाली है उसकी एक विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और जो छोटे दल हैं उनको सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिल रहा है। यानी अगर आपने, जैसे बीजेपी है, अब इनका केरला में कोई भी जनाधार नहीं है, इनको एक भी सीट नहीं मिलती, लेकिन अगर मान लीजिए यहां की तीन पार्टियां हैं, इसको वोट, तीन पार्टियां इस पार्टी को वोट मिलता रहता है, और बीजेपी इसके साथ अलायंस कर ले, तो जब एक तरीके से अलायंस करके ये दोनों साथ हो गए, तो जो वोट, जो इनको सीटें मिलेंगी वो बीजेपी को ही मिली एक तरीके से, एक एनडीए को मिल गई। तो ये तरीका भी है जिससे ये जो छोटा दल है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अब बीजेपी को इसकी आवश्यकता है, इस दल की आवश्यकता जरूरी हो जाएगी ताकि वो यहां जनाधार बना सके, अपने काम कर सके, या फिर यहां से वोट ले सके। तो इस तरीके से इस जो छोटी छोटी पार्टी है उनका भी लेवल बढ़ जाता है। अब बात करेंगे निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। तो ये जो निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण है, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।